गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है कसूरी मेथी, और लंबे समय तक इसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, आज मैं इसी के बारे में आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बहुत खराब होती है। तो अच्छे से वीडियो को देखो और समझो चीज़ों को, और फिर अप्लाई करो, ताकि आप लोग जो भी कुछ बनाए ना, वो बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। ये जो कढ़ाई है, ये कास्ट आयरन की कढ़ाई है। आपके पास कोई भी कढ़ाई हो, कोई भी तवा हो, बस ये है कि मोटी तली का तवा या कढ़ाई या पैन लेना है आपने, ठीक है। और ये जो कसूरी मेथी है, इसको बिल्कुल स्लो आंच पे रोस्ट करना है, और फिर मैं बताऊंगी आगे क्या करना है। और ऐसे करके अगर आप रखोगे ना, तो आप महीनों तक इसको चला सकते हो। मैं छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं अपने किचन में, अपनी लाइफ में, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उनमें मैं अपनाती रहती हूँ, आज वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पास जो भी हो, आप पलटा, चम्मच जो भी हो, आप वो ले लेना। बस इसको छोड़ना नहीं है, लगातार इसको चलाते रहना है। और कैसे पता चलेगा कि ये ड्राई रोस्ट होगी? जब आप इसको ऐसे करोगे ना, ये बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाएगी। और जैसे ही आप इसको हाथ के मुट्ठी के अंदर लोगे ना, और इसको ऐसे मसलोगे, तो ये बिल्कुल ही एकदम आटा जैसी बन जाएगी। यानी ये बिल्कुल, ये जैसे मोटे मोटे पत्ते दिख रहे हैं ना इसके, ये बिल्कुल एकदम जैसे आटा होता है या किसी चीज का चूर्ण होता है ना, वैसा वैसी हो जाएगी ये। इसकी और क्या पहचान है, ये ड्राई होगी है और ये भुन चुकी है। इसमें से एक बड़ी सौंधी सौंधी खुशबानी शुरू हो जाएगी, और जैसे हाथ में ऐसे उठाओगे ना, तो ये गर्म लगेगी आपको। बहुत ज्यादा गर्म नहीं लगेगी, ये सोचो कि भी हाथ जल जाएगा, ये थोड़ी सी इतनी गर्म होगी कि आप इसको आसानी से उठा सकोगे। अब वहीं पर आपने गैस बंद कर देनी है, और इसको थोड़ा सा हिलाते रहना है, क्योंकि जो कढ़ाई या पैन होगा ना, वो उसकी तली जो होगी वो गर्म होगी, और गर्म होने के कारण जो कसूरी मेथी है वो नीचे से जल जाएगी। तो या तो इस कढ़ाई से या जिसमें पैन में आप रोस्ट करो उसमें से निकाल लेना, या थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही चलाते रहना है, और इसको बिल्कुल ठंडा करके, और फिर हमने पीसना है इसको। तो वो मैं आगे दिखाऊंगी कैसे करना है। अब ये देखो, ये थोड़ी सी ठंडी हो गई है, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं हुई है, पर थोड़ी सी ये ठंडी हो गई है। अब जैसे इसको टच करोगे ना, तो ये बिल्कुल सूखी सूखी अपने आप फील हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये बिल्कुल ठंडी करने के बाद या तो हाथों से ऐसे इसको क्रश करना है, ये मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये ऐसे हो जाएगी, या फिर मिक्सी में इसको पीस लेना है। अगर आपने ज्यादा बारीक चाहिए तो मिक्सी में इसको पीस लेना, अदरवाइज आप इसको ऐसे करोगे ना, दोनों हथेलियों के बीच में इसको ऐसे क्रश करना है, और ये अपने आप बहुत ही इजिली पाउडर की फॉर्म में, बहुत बारीक पाउडर नहीं, थोड़ा सा दरदरा बन जाएगा ये। तो मैं इसको ऐसे इतना ही दरदरा रखूंगी, तो मैं इसको हाथों की सहायता से इसको पूरा क्रश कर लूंगी, और फिर इसको बिल्कुल ठंडा करके और एक बोतल में या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल दूंगी, और इसको आप आसानी से कई महीनों तक चला सकते हो। जब आप इसको बनाओगे ना, तो जब क्रश करोगे तो अपने आप आसानी से हो जाएगी ये। ये किसी भी सब्जी में आप इसको यूज कर सकते हो, पराठा बनाओ उसमें यूज कर सकते हो, रोटी में यूज कर सकते हो, और इससे जो सब्जी या पराठे या रोटी का ना टेस्ट बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और बार बार में है ना, ड्राई रोस्ट, जैसे आप कोई भी डिश बना रहे हो, कोई सब्जी बना रहे हो या पराठा बना रहे हो,
तो साथ साथ अगर इसको ड्राई रोस्ट करके फिर डालोगे तो टाइम ज्यादा होगा। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो आप ऐसे चीजों को करके रख लिया करो, तो टाइम भी बच जाता है और जो आपका फ्री टाइम है ना वो भी यूटिलाइज हो जाता है। तो मैं तो करती हूँ ऐसे ही, जब भी मैं फ्री होती हूँ तो अपना जो एक्स्ट्रा काम होता है ना मैं वो कर लेती हूँ, और बहुत ही आसानी से किचन को मैनेज कर सकते हो, अपने लाइफ को मैनेज कर सकते हो। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसे आप अपना के और अपना टाइम भी बचा सकते हो। वो जो टाइम है आपके पास अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हो उस टाइम को। तो मैं तो करती हूँ ऐसे ही, आप को पसंद आए तो आप कर सकते हो, मेरा जो लाइफ स्टाइल है वो आप अपना सकते हो। तो मैं इसको बारीक पीस लेती हूँ, यानी हाथों से अच्छे से क्रश करके, और फिर मैं दिखाती हूँ ये कितनी बारीक हो गई है। अब बारीक करने के बाद अगर आप इसको छानना चाहें तो छान सकते हो, और अगर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। तो मैं दिखाती हूँ आगे आपको। अब ये देखो ये इतनी बारीक हो गई है। अब इसको छानना चाहो तो आप छान सकते हो। मैं इसको छानूंगी नहीं क्योंकि छाने की जरूरत ही नहीं है, तो आपकी अपनी च्वाइस है। अब इसको क्या करना है, ये हल्की हल्की सी गर्म है, इसको बिल्कुल ठंडा करके एयर टाइट कंटेनर में डालना है। इसको थोड़ी बहुत भी गर्म हो तब भी नहीं डालना है, ठीक है। आपके पास कोई भी ऐसी कांच की कोई भी बोतल हो या कोई कोई भी आपके पास डब्बा हो तो आप उसमें डाल के रख सकते हो। अब ये देखो, अब वैसे तो लेवल लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहे तो यहाँ पर कसूरी मेथी का लेवल लगा सकते हो, और मेरे को तो पता है बेस में क्या है तो मैं लगाऊंगी नहीं। आप ये आसानी से, और ये है ना महीनों तक चलती है, मेरी तो ये 2 महीने 1.5 महीने में खत्म हो जाएगी, बाकी 7-8 महीने तक आप आराम से इसको स्टोर कर सकते हो, साल तक भी इसको स्टोर कर सकते हो अगर आप इसको फ्रिज में रख दोगे तो। ये होगी है, और उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है बहुत पसंद आने वाली है और आपके बहुत काम की ये वीडियो है। तो किसी ऐसी वीडियो को फिर लेके आऊंगी, होंगी आप लोगों के सामने रूबरू। तब तक क्या करना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय। और ये छोटी छोटी टेक्निक आप अपनाते रहा करो, मैं तकरीबन अपनी वीडियो में कोई ना कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहती हूँ, तो वीडियो को जरूर देखा करो। तो चलिए फिर, बाय बाय।